आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाई थी ग्राउंड रिपोर्ट जम्मू और कश्मीर से। आज हम आपको ले आए हैं लद्दाख की राजधानी लेह में और ये लद्दाख का मेन मार्केट है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार सजा हुआ है। यहाँ पर ये सब्जी मार्केट, यहाँ पेमेंट पे पीछे हैंडीक्राफ्ट्स दुकानों में लद्दाख के जो हैं ट्राइबल कार्पेट्स इन दुकान में ये लद्दाख के आम लोग हैं जो अपना रोज़मर्रा का व्यापार बिजनेस जो करते हैं वो कर रहे हैं। अगस्त का ये दिन है। आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और बारिश में हमने यहाँ पर कुछ लोगों को जमा कर लिया है, जुटा लिया है और इनसे जानेंगे कि धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। आप पढ़ती हैं, जॉब करती हैं? जी जॉब करती हूँ। कहाँ जॉब? प्राइवेट जॉब, प्राइवेट ऑफिस। लद्दाख की काफ़ी समय से मांग थी कि यूनियन टेरिटरी बनना है, धारा 370 भी हट गया, तो कैसा फील कर रही हैं यहाँ की महिलाएं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम। अभी यूनियन टेरिटरी हो गया हमारा लद्दाख, तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम आपका नाम? देजिन। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ की महिलाओं को केंद्र सरकार से, सेंटर से? अभी पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और हम बहुत खुश हैं। हम इस आप सिंह जी, मेरा नाम सिंह है। आपके क्या विचार? मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ लाइब्रेरी में। लाइब्रेरियन है? हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है और व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? क्या आप उम्मीद लगाए हुए हैं अब सरकार से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख का पूरा विकास होगा, जो डेवलपमेंट सालों से नहीं हुई यहाँ पर मिलेगी? अच्छा मिलेगी। हाँ, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन यहाँ के लोग हैं, नर्म स्वभाव के हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार भी हमारे। आपको किस तरह की एक्सपेक्टेशन है इस डिसीजन के बाद? इस डिसीजन के मैम हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि लद्दाख 6 महीना और देश की जगह से कट ऑफ रहता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि राउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिलेंगे और जो यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, ये सब हमारे अपेक्षा है मैम। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप कुछ कहना चाहेंगे लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने को लेकर? हाँ, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमें अच्छा लगेंगे कि यहाँ पर अभी पहले से और बेहतर हो जाएंगे, इसलिए हम बहुत सब खुश हैं। क्या क्या चाहिए लद्दाख? अभी लद्दाख में पहले तो हमारा 6 महीना रोड कट ऑफ होके बैठता है, तो इसलिए कोई जहाज वगैरह किराए वगैरह भी हमारे काम हो सकता है, इसलिए हमें बहुत खुश है। तो यूनियन टेरिटरी आने के बाद अभी हम लोगों को सब फायदा मिल जाए। हाँ जी। और सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल बंद रहता है यहाँ बाजार, कुछ नहीं होता। हाँ, सर्दियों के मौसम में हमको बहुत मुश्किल होते हैं जी। तो सर्दियों के मौसम में हमारा सब रोड कट ऑफ होता है, जहाज़ का किराया बहुत महंगा होता है। यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद हमें कोई जहाज़ का किराया कम हो जाए और थोड़ा हम लोग को नीचे जाने के लिए थोड़ा सुविधा मिल जाए, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं जी। बच्चों के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं थे लद्दाख में? पहले तो नहीं था, अभी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और कॉलेज खोल गया, लद्दाख यूनिवर्सिटी दे दिया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, आपको लगता है कि अब और एम्स, अब बाकी जैसे IIM है, IITs, बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस यहाँ? वहाँ मुझे तो लगता है विश्वास। आप क्या करते हैं? ले में हमेशा से यही रहते? नहीं, मैं यहाँ से दूर है, हमारा गाँव ले सिटी से तो 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर हमारे उधर मेन प्रॉब्लम है, वहाँ टेलीफोन बिल्कुल नहीं चलता है। पहले एक DSPT था, वो भी अभी बंद हो गया। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ का हिल कौंसल वालों से हमने मांग करता हूँ कि हमारे उधर मतलब मोबाइल का कोई सुविधा होना चाहिए। यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है हमारे वहाँ पे। लद्दाख के दूर दराज के गांव में हालात काफ़ी ख़राब है जी। हाँ, अभी क्या प्रॉब्लम्स? अभी तो यूनियन टेरिटरी मिल गया हमको लद्दाख को, अभी काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो सकता है। अभी गाँव में किस तरह की ज़रूरतें हैं अभी आपको, क्या क्या वहाँ पे और होना चाहिए? गांव में तो अभी इंटरनेट का, मोबाइल कनेक्टिविटी का, अभी ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है कि रोड कनेक्टिविटी तो थोड़ा सर्दी में बंद रहता है जी, इसलिए हमको। बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली तो फिलहाल ठीक है, अभी ना तो वो नहीं है बिजली का, तो अभी रोड कनेक्टिविटी और इंटरनेट सेवा के मोबाइल कनेक्टिविटी से थोड़ा प्रॉब्लम है जी। रोड कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम? हाँ जी, रोड कनेक्टिविटी थोड़ा प्रॉब्लम है जी। लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ की लेह की मेन मार्केट की सब्जी मार्केट है और यहाँ पे ये महिलाएं काफ़ी मजबूत पहाड़ी महिलाएं लद्दाख की। आप कब से यहाँ सब्जी? हिंदी उर्दू बोल हम? जी हाँ, हम यहाँ से तकरीबन 20-15 साल हम इसी खेती बाड़ी के साथ जोड़ी हूँ ना मैडम जी। हाँ जी। मैं आपका? मेरा नाम सिंधिश की थी। 15-20 साल से सब्जी? हाँ जी हाँ, ये तो नहीं, कभी कभी भेज रहा हूँ ऐसे। पहले तो हम पढ़ते थे ना, उस समय तो इतना नहीं जी, अभी तो बेचती हूँ मैडम जी। है कि लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। हाँ जी बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। इतना साल हमने मेहनत किया ना जी। हाँ जी अभी 70 साल हो गया यूनियन टेरिटरी नहीं मिला, अभी मिला है। मोदी जी और अमित शाह को मुबारक। हाँ आपको भी मुबारक। हाँ सारे दुनिया को जी। क्या चाहिए अभी लद्दाख को? और अभी लद्दाख को तो बहुत कुछ चाहिए ना मैडम जी। क्या क्या चाहिए बस? आपको क्या चाहिए? हाँ अब भी चाहिए पानी चाहिए, रास्ते भी ठीक नहीं है वो चाहिए हमें, लाइट भी तो तकरीबन ठीक है, वही सब कुछ चाहिए मैडम जी। यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए जी, सबसे बड़ी मेन तो यही है। दिल्ली में जाना पड़ता है बच्चे लोगों को, दिल्ली जम्मू चंडीगढ़ सारे वहाँ सारे लद्दाखी भरा हुआ है जी, इसलिए यहाँ वही। मुझे पता है, मैं खुद जम्मू में पढ़ती थी, मेरे साथ बहुत लद्दाखी पढ़ते। हाँ जी हाँ जी जम्मू में तो सारा लद्दाखी ज्यादा है जी, वहाँ पढ़ने वाला है। हाँ जी इंस्टीट्यूट। हाँ जी हाँ। आपके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं? हाँ जी हाँ जी हमारा तो दिल्ली में पढ़ते हैं। दिल्ली में पढ़ते हैं आपके बच्चे, और अब इसके बाद इस फैसले के बाद अब यहाँ ही सब कुछ होगा तो यही पढ़ेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तब हमारे बच्चे लोगों को भी यहाँ काम करने का मौका मिलेंगे ना मैडम जी। सब कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो जोड़ना चाह रहे हैं, आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस फैसले पर? यूटी पे जी। अच्छा यूटी मिला है, सबसे पहले तो मैं अपना प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूँ पूरे लद्दाखवासियों की तरफ से, और अपना गृह मंत्री श्री एमी चाक जी को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आज तक मैं समझता हूँ कि अभी जो लद्दाख का जो फ्यूचर है वो अभी सही हाथों में आया हुआ है। जो आज तक का जो डेवलपमेंट जो फंसा हुआ था लद्दाख का, एजुकेशन की तरफ से हेल्थ की तरफ से जो डेवलपमेंट आज तक जो फंसा हुआ था वो अभी जाके सही हाथों में आया हुआ है। अब जाके मेरे हम सबको उम्मीद है कि अभी लद्दाख जो है कभी यूनियन टेरिटरी में जो डेवलपमेंट होता है वो हम उम्मीद करते हैं। आपको लगता है कि अब लद्दाख का फ्यूचर सही रास्ते में? बिल्कुल बिल्कुल अभी सही हाथों में आया हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये पीछे ये मेन मार्केट के ऊपर ये टीला जो ऊपर है ये क्या है? ये ऊपर बना हुआ ये जो है यहाँ के राजा का महल है, इसको पैलेस ये राजा का महल है जी, क्या कहते हैं नमग्याल पैलेस। तो राजा का परिवार रहता है अभी? नहीं अभी है रॉयल फैमिली अभी यहाँ पे है लद्दाख में अभी है, उनका जो अभी वहाँ बैठता है स्टॉक गाँव में बैठता है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ देखने के लिए कि ये चीज़ महल है करके, बाकी अंदर कुछ है ही नहीं। अभी अंदर सिर्फ उनका मंदिर बचा हुआ है, अंदर से जो स्टेचूज है पुराने वही बचा हुआ है, बाकी और कुछ। ये लद्दाख के आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, बेहद खुश हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा। आपका नाम क्या? लोबजंग। 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 लोबजंग ने बहुत बढ़िया से कंक्लूड किया कि अब सही रास्ते पर लद्दाख का भविष्य है। धारा 370 पर जब संसद में बहस हो रही थी तो लद्दाख का एक युवा चेहरा सुर्खियों में आया। अपने सटीक, दो टूक, बेबाक भाषण से इस युवा चेहरे ने पूरे देश का मन मोह लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लद्दाख के सांसद, युवा, डायनामिक फायर ब्रांड जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, जिनको प्यार से लोग JTN भी कहते हैं। JTN उस दिन संसद में आपने विरोधियों को धारा 370 पर क्या धोया? नहीं मैंने ऐसा धोया वाला बात नहीं है, लेकिन जो धोया ही था आपने, जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, हमने इसी धारा 370 रहते हुए हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के सिटीजन ने क्या महसूस किया, हम इसी धारा 370 के अंदर पैदा हुआ, इसी में पाला बाड़ा, जो आज तक हमने महसूस किया वही लोगों के भावनाओं को हमने संसद में प्रकट किया। आप शब्दों का इस्तेमाल बेहद चुन चुन कर करते हैं, हिंदी आपकी बेहद सटीक है और पूरे देश का मन आपने मोह लिया। कहाँ पढ़ाई लिखाई किया? नहीं सबसे पहले तो मुझे हिंदी में मैं गर्व करता हूँ, क्योंकि ये मेरा देश का मातृभाषा है, और अगर इस देश का आज पहचान है तो एक पहचान हिंदी की वजह से भी है। मैंने अपने पढ़ाई यहाँ पे जो संप्रूना संस्कृत विश्वविद्यालय के एक ब्रांच यहाँ पे है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कुडिस स्टडीज के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ से मैंने 12वीं तक किया। और उसके बाद तो मैंने जम्मू से स्टडी किया, जम्मू में मैंने हिंदी नहीं पढ़ा, हिंदी लेसी पढ़ा। अच्छा आपने करियर के बारे में, अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि देश में आपको लेके बहुत उत्सुकता है। ये फायर ब्रांड सांसद जो लद्दाख से आया है, इसका आखिर बैकग्राउंड क्या है पॉलिटिकल का? नहीं मेरा बैकग्राउंड जो है बहुत साधारण है, एक फार्मिंग फैमिली से मैं आता हूँ जो कृषि के काम करते हैं। पिताजी मेरा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कार्पेंटर का जॉब था, छोटा सा MES जी, MES में। तो यहीं मेरा लद्दाख में ही 12वीं तक पढ़ा लिखाई हुआ, उसके बाद जम्मू से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करते समय मेरा स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ, छात्र संगठन के साथ मेरा काफ़ी रुचि रहा, और छात्र संगठन के अध्यक्ष भी चुना गया, तो वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़ा हूँ 2011-12 से लेके, तो लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी से मैंने जब जुड़ा तब मैं यहाँ लद्दाख में मैंने ऑफिस सेक्रेटरी जो सबसे लोएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वहाँ मैंने काम किया। तो वहाँ से करते करते आज सदन में लोगों के एक जनप्रतिनिधि की तरह जो लोगों ने मुझे बोलने का जो काम करने का जो आशीर्वाद दिया। जेटीएन करगिल को लेकर लोगों ने काफ़ी दुष्प्रचार किया, धारा 370 को लेकर करगिल का झूठा नाम लेकर दुष्प्रचार किया, गलत था ये बिल्कुल। करगिल के लोग भी इसको स्क्रैप करने के पक्ष में थे। नहीं, ये आपने देखा करगिल आप जो है एक, मैंने सदन में भी बोला, एक एरिया को आप करगिल सीमित नहीं कर सकते। करगिल इज अ लार्ज एरिया, ये बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, बहुत से लोग बैठते हैं। हमने हमेशा मेजोरिटी को जो देख के बोलना होता है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने मेजोरिटी का भावना क्या है मैंने वो बोला। अब हाँ, एक गली में एक दो लोग चिल्ला सकते हैं। आपने परिवार, दो परिवारों की बात कही कि दो परिवारों की जागीर है वो खत्म हो जाएगी, बाकी पूरे प्रदेश का विकास। वो देश जानते हैं इसमें कौन लोगों का रोजी रोटी जाना है और किन लोगों का भविष्य उज्जवल होना है, वो देश जानते हैं। लद्दाख को लेकर अब आगे क्या विजन? नहीं, लद्दाख का हमारा स्पष्ट विचार है, हमारा प्राथमिकता रहेगा यहाँ के जो पहचान को बरकरार रखना और विकास को आगे ले जाना। प्रधानमंत्री ने खुद आपकी तारीफ की, आपके वीडियो को शेयर किया। नहीं, ये माने प्रधानमंत्री जी का बड़ापन है जी। अच्छा, तो जेटीएन जब फ्री होते हैं खाली वक्त में क्या करते हैं पॉलिटिक्स के अलावा? मैं कभी कभी अपने बोटी भाषा में कविताएं लिखता हूँ। अच्छा, कविताएं लिखते हैं जी बोटी भाषा में? ये सब देश प्रेम को लेकर बात में और हमसे बात करने के लिए जेटीएन को जाना था। तो ये सांसद लद्दाख के जिन्होंने पूरे देश का मन मोह लिया संसद में अपने भाषण से, और इनका ये कहना है कि ये आगे भी लद्दाख के लिए, लद्दाख की प्रगति के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। लद्दाख लेह और करगिल इन दो जिलों से बना है। भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सामरिक रूप से बेहद अहम इस इलाके में कई छोटे छोटे गाँव हैं जिनका रहन सहन, जिनकी संस्कृति अपने आप में अनूठी है। इस वक्त हम लेह से 10 किलोमीटर दूर साबू गांव आ पहुंचे हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि साबू गांव के लोग किस तरह से रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, कैसी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। आइए चलते हैं। लद्दाख के साबू गांव के इस घर में हम आ पहुंचे और आइए अब आपको लद्दाखी मेहमान नवाजी दिखाते हैं, गांव के लोगों से आपको मिलाते हैं। जुले जुले जुले, तो जुले जो है ये यहाँ का पारंपरिक तरीका है किसी को नमस्कार करने का, हेलो करने का। ये दादी हैं और ये दोरजे हैं और आप सिरिंज। तो ये इनका ट्रेडिशनल किचन है जो एक ट्रेडिशनल लद्दाखी किचन होता है, वो आप देख सकते हैं इस गाँव में पूरा इसी तरह से इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। ये इनका बैठने का तरीका, इसी तरह से ये चारों तरफ कमरे में यूँ आसन लगाते हैं और यहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, परिवार के लोग बैठे, दोरजे बैठी है। तो साबू गांव के बारे में हमें थोड़ा बताइए। इसे मॉडल विलेज कहा जाता है जी। मॉडल विलेज से इसलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कुछ अलग से फंड, एक्स्ट्रा फंड देते हैं यहाँ के स्कूल के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए। तो इसको मॉडल विलेज बनाने के लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा फंड देते हैं। अच्छा, अब तो धारा 370 हट गई, लद्दाख बन गई यूनियन टेरिटरी। तो अब आज तक तो लद्दाख के पास अपनी यूनिवर्सिटी तक नहीं थी, अब कम से कम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लद्दाख को मिलेंगे। हो सकता है मिल जाए, अच्छा है। आपके यहाँ से बच्चे पढ़ने जम्मू जाते थे, कश्मीर जाते थे, मास्टर्स के कोर्सेज? बिल्कुल, यहाँ से तो जम्मू, दिल्ली या चंडीगढ़ ही जाते थे तो हाई एजुकेशन पाने के लिए। यहाँ तो कोई साधन नहीं था। हाँ जी, अब उम्मीद है अभी शायद अभी ये धारा 370 हटने के बाद यूटी की वजह से हो सकता है हमें ये फैसिलिटी मिल जाए। शेरिंग आ रही हैं और शेरिंग में देख पा रही हूँ कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। शेरिंग, ये जो आपने पहना है ये इसे क्या कहते हैं? लद्दाखी गोंचा। गोंचा जी, तो ये सर्दियों में, गर्मियों में, हर सीजन में पहनते हैं? हाँ जी, शादीशुदा लोग पहनते हैं। शादीशुदा, दादी ने भी पहन रखा है। दादी आपने भी पहन रखा है गोंचा? गोंचा। तो दादी आप कितने साल से यहाँ रहती है? वो लद्दाख से, साबू में। साबू में, साबू में गोंचा। यही जन्म हुआ आपका? हाँ। अच्छा, दादी की उम्र है 87 साल की हैं और यहीं पैदा हुई साबू गांव में लद्दाख में। अच्छा तो सिरिंग, ये गोंचा के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ तो सर्दी होती है अधिकतर, तो ये वार्म रहता होगा, गर्म रहता होगा? हाँ, बहुत गर्म रहता है सर्दियों में। ये मोटा सा वूल का बना हुआ है पहनते हैं जी, गर्मियों में अलग सा वो पतला सा जो हम लोग पीते हुए। ये आपकी केटल है, कुछ खास तरह की चाय बना रही हैं आप हमारे? हाँ जी, चाय बना रही हूँ मैं आपके लिए। चाहिए लद्दाखी ठाऊ बोलते हैं हम लद्दाखी में। क्या कहते हैं ठाऊ? चाय को ठाऊ नहीं, बर्तन को ठाऊ बोलते हैं, चाय को सुलझा बोलते हैं जी। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लद्दाखी बर्तन हैं, थर्मस हैं, केटल्स हैं, सब कुछ। अपना पारंपरिक जो इन्होंने कल्चर है उसको इन्होंने बिल्कुल बरकरार रखा है, बिल्कुल बरकरार रखा है। और अब हम यही चाहते हैं कि देश और दुनिया में ये जो इनकी संस्कृति है, अनूठी संस्कृति है, वो फैले। और यकीनी तौर पे दुर्जे, जब यूनियन टेरिटरी बन गई, 370 हट गई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएंगे, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे। आपका जो अनूठा कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर है या मुस्लिम भी है कारगिल में, तो ये पूरी दुनिया में फैलेगा। ये ठीक है कि कल्चर दुनिया में तो फैलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आएंगे वो अपना कल्चर लेके आएंगे, तो इसमें हमारे कल्चर को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपका कल्चर दूर दूर तक लेकर भी तो जाएंगे? हाँ, लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ से भी तो कल्चर आएंगे। पर ऐसा होता है, आप समागम होता है, कुछ बाहर से लोग आते हैं, वो अपना कल्चर लेके आते हैं, आपकी संस्कृति है वो दूर दूर तक जाएगी। लद्दाख में हम देख रहे थे यहाँ पर रास्ते में खेत बहुत खूबसूरत है। यहाँ साबू गाँव में किस चीज़ की खेत? यहाँ ज़्यादातर आलू बहुत मशहूर है, यहाँ की आलू, और बाकी होता है गेहूँ भी होता है, बारले भी होता है, और गोभी वगैरह सब्जी वगैरह ये सब कुछ होते हैं इधर। सर्दियों में तो सब बंद हो जाता होगा, 4 महीने बिल्कुल यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होती है लद्दाख? हाँ, 4 महीना नहीं, 6 महीना। 6 महीना सब बंद? 6 महीने बंद रहते हैं। आप लोग यहीं रहते? हम, हाँ हम यहीं रहते हैं, बाकी यहाँ से पूरा इंडिया के साथ हम कट अप हो जाता है। कट हो जाता है? हाँ जी, पूरा जो पास से रोड पूरा सड़क बंद हो जाता है, सिर्फ एक साधन रह जाते हैं वो बाहर जाने का। अच्छा ये बताइए कि अब ये जो, बैठिए बैठ के बात करते हैं, ये जो नया फैसला हुआ, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, धारा 370 हट गई, लद्दाख यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा है, लद्दाख के लोगों को क्या उम्मीद है? आप क्या चाहते हैं यूनियन, भारत से, भारत की सरकार से? क्या क्या होना चाहिए लद्दाख में, क्या क्या आपके लिए किया? यूटी जो हमारा बहुत पुराना मांग था, जो अभी मोदी जी ने दिया है, बाकी तो अब उसके हिसाब से जो यहाँ जो पहले जो भी जो नहीं हुआ है, जो यूनिवर्सिटी नहीं हुआ, बाकी बहुत सारे कुछ जो नहीं है वो आ जाए तो ये खुशी की बात है। अगर ये हमें उम्मीद है यही कुछ होगा। तो यहाँ के लोग हैं, 11,500 फीट की ऊंचाई पर है लेह का ये टाउन, और यहाँ के लोग पहाड़ी एकदम, मतलब बहुत ही मजबूत। ये क्या है? ये लद्दाखी केक है, ये घर में बना है? अच्छा, आइए बैठिए। तो यहाँ बताइए सरिंग हमें, ये लद्दाखी जैसे ब्रेड बनाते हैं अपने घर? हाँ जी, ये है नमकीन चाय जी। पहले हम ये गुड़गुड़ चाय है जी, गुड़गुड़ चाय। तो आप मक्खन भी डालता है, थोड़ा दूध डालता है, चाय डाल के। कि सर्दी ज़्यादा है इसलिए, गर्मी बॉडी में रहे इसलिए मक्खन से। हाँ जी, गर्मी में ना, चलो सर्दियों में ये ज़्यादा पीने तो गर्मी लगती है। हाँ जी, केक भी आपने बनाया जी? जी, ये ट्राई करते हैं थोड़ा सा केक, लीजिए। तो क्या कहते हैं इसको, लद्दाखी केक को क्या कहते हैं? छटक। अच्छा, तो ये कैसे बनाते हैं आप? आटा को गूंद के, फिर आग जला कर, ताव होता है ना जो बंद करते हैं, नीचे प्लेन ताव होता है, फिर ये ऐसे गोल करके रखते हैं जी, फिर ऊपर से ढक्कन जैसा लगाते हैं, फिर आग पूरा ऊपर से लगाते हैं जी, फिर 15 मिनट के बाद ये पक जाता है जी। ये चाय पीते हैं? चापियो चापियो लद्दाख चापियो घूर चापियो। हाँ, दादी को इतनी हिंदी भर आती है, हॉस्पिटैलिटी यहाँ की इतनी है कि अब दादी हमें कह रही हैं कि आप रोटी खाओ लद्दाख से ठटक। बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। सत्तू में अच्छा सत्तू भी होता है? सत्तू तो देश के हर हिस्से में होता है, वो आटा है कच्चा खाया जाता है, तो इसको भी चाय में मिला के। अच्छा तो ये सब तो चीज़ें सर्द इलाकों के लिए अच्छी रहती हैं, बॉडी को गर्म रखती है, बॉडी को गर्म रखती है। तो ये सचमुच ये यहाँ का, यहाँ की तहजीब है, यहाँ का कल्चर है, और बहुत खुश हैं लद्दाख के लोग कि यूनियन टेरिटरी बने हैं, धारा 370 यहाँ से हटाई है, पूरे देश के साथ एक साथ आगे बढ़ने की का उनके लिए मौका है। समग्र विकास जम्मू कश्मीर लद्दाख का अब होगा। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे दोरजे से, उन रास्ते में जब हम आ रहे थे 2010 में जब यहाँ पर वो बिजली कड़की थी और जो फ्लैश फ्लड आए थे, उस वक्त का जो नुकसान हुआ हुआ है इस गाँव में वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये फैसला सरकार का लेने के बाद जो यहाँ के खूबसूरत लोग हैं, जो इनकी खूबसूरत तहजीब है, जो इनका कल्चर है, वो और आगे बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की लद्दाख की होगी, लद्दाख की अनूठी संस्कृति जो है वो पूरी दुनिया तक, दूर दूर तक पहुँचेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्री शत्रुक शांबा, ये लद्दाख गुम्पा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और अभी थोड़ी देर पहले पूजा कर रहे थे, हमने देखा यहाँ पर पूजा में लीन थे। अब हम इनसे बात करेंगे, आइए, और जानेंगे कि लद्दाख को जो एक विशेष दर्जा मिलने जा रहा है, यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख, अब 370 धारा जो हटा दी गई है, तो बुद्धिस्ट समुदाय जो है यहाँ का लद्दाख का क्या सोचता है? यहाँ लद्दाख के लोग जो है वो बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा ये मांग जो है ये 1949 से है, क्योंकि हम ये लद्दाख जो है ये 1944 में जम्मू राजा ने ज़ोर ज़बरदस्ती ले हुए एक इलाका है। उससे पहले हम आज़ाद था, आज़ाद के वक़्त हमारा अपना स्वतंत्र रूप से संस्कृति हमारा चल रहा था, भाषा हमारा सब कुछ, रहन सहन सब पर आज़ादी स्वतंत्रता। उसके बाद ज़ोर ज़बरदस्ती से जम्मू राजा के लेने के बाद हम उनके अधीन चला गया, तब हमारा संस्कृति नष्ट हो गया, हमारा गुम्पा नष्ट हो गया, हमारा ग्रंथ हमारा स्तूपा नष्ट हो गया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में हम फिर इनके साथ रखा, इनके साथ ये जम्मू कश्मीर के साथ रखा, तब भी हमें पास होते रहा इसका। तब आज़ाद होने के बाद हमने भी स्ट्रगल किया, हमने भी कहा कि हमको आज़ाद होना। हाँ, 70 साल आपने स्ट्रगल किया कि आप भारत का एक हिस्सा हैं, आप एक अलग यूनियन टेरिटरी आपको होना चाहिए। बिल्कुल जी, हमने कहा कि हम अलग से, क्योंकि हमारा कश्मीरी के साथ, कश्मीरियों के साथ, जम्मू के साथ हमारा रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, हमारा संस्कृति अलग है, हमारा भाषा अलग है, तो हम अलग, हमारा ये बचाने के लिए अलग यूनियन टेरिटरी चाहिए करके हमने। अब जबकि यूनियन टेरिटरी बन गई लद्दाख, धारा 370 हटा दी गई, तो अब आपको लगता है कि लद्दाख का पूर्ण विकास होगा, संपूर्ण विकास होगा, जो आपकी संस्कृति है, जो कल्चर है, जिसके लिए सालों साल आपने जद्दोजहद की है, स्ट्रगल। आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, बाहर भी हुआ है, अंदर भी हुआ है, अब उस हिसाब से भी हुआ है। ये यहाँ जो लद्दाख जो है ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ चीन का डर है, यहाँ पाकिस्तान का डर है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़ा। अब मसला ये है कि संस्कृति का, अब संस्कृति का विकास अब होना है, हमारे धर्मी हमारे भाषा जो है वो ये लुप्त हो रहा है, हमारा संस्कृति लुप्त। और हमारे क्या उम्मीदें हैं आपको भारत से, भारत की सरकार से, यूनियन टेरिटरी क्या क्या होना चाहिए, लद्दाख की क्या अपेक्षा? लद्दाख की यही अपेक्षा है आर्थिक दृष्टि से देखेंगे थोड़ा बहुत करते हैं, करना पड़ रहा है जोर जबरदस्ती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ बुद्धिस्ट यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ बॉर्डर है, यहाँ इनको जोर जबरदस्ती करना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा धार्मिक दृष्टि से देखेंगे उसका संरक्षण होना चाहिए। कितने हमारा पुराना यहाँ आर्किटेक्चर क्या क्या नहीं है आप देख रहे हैं, इसको बचाना है। एक दूसरा हमारा भाषा है, ये भाषा मामूली भाषा नहीं, इस भाषा में अपनी भाषा के बारे में कुछ, ये भाषा जो है तिब्बत से आई हुई भाषा है। ये इस भाषा में नालंदा का पूरा ट्रेडिशनल जो है, नालंदा का पूरा सेप इसी भाषा में है। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन कला, ये हमने आज तक 1947 तक हमने रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसी के द्वारा हमारे राजाओं ने भी काम किया है, इसी के द्वारा धार्मिक ग्रंथों में भी इसी के द्वारा लिखा है। इसी के द्वारा यहाँ से चिट्ठी चीन तक जाता था, यहाँ से चिट्ठी इसी भाषा के द्वारा तिब्बत तक जाता था, यहाँ से कश्मीर तक, यहाँ से आयरलैंड तक। आपको लगता है कि आपकी भाषा, आपका आर्किटेक्चर, आपकी संस्कृति, ये सब जो है प्रिजर्व होगा, इसके लिए काम हो, इसीलिए तो हमने ये मांग है, इसीलिए कि अब होना चाहिए। अब हम भी जोर लगाएंगे इस विषय में, जो इन पद पर आएंगे, इस पद पर आएंगे, उनको हम जोर करेंगे कि इसी के ऊपर हो सके तो ये जो भाषा जो है, हमारा लैंग्वेज जो है, ये बहुत ये ऑफिशियली लैंग्वेज बनाने के लिए हम जोर लगाएंगे। अब हो जाएगा जल्दी, उम्मीद कर। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला, हमें जनतंत्र टीवी को समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो एक्सपेक्टेशन क्या एक्सपेक्टेशन? अब मैम, एक तो जो 70 सालों में जो हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कश्मीर गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का मसला है, डेवलपमेंट का है, हमारे आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का है, या यहाँ पे एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, तो हर चीज़ में हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया, और जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें पूरा मिला नहीं। तो इसीलिए हमारा शुरू से ही इसके अगेंस्ट हमारा रहा है। तो यूटी मिलने के बाद यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस होगा, तरक्की होगी, और ख़ासकर जैसे टूरिज़म में अभी बहुत पोटेंशियल है, लद्दाख को पोटेंशियल है काफ़ी टूरिज़म में। अभी जैसे इसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं जो अभी तक नहीं खोले गए, बहुत सारे चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिससे टूरिज़म को बहुत बड़ा बूस्ट आने वाले दिनों में मिलेगा। नहीं, आई मीन टूरिज़म सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रैकिंग रूट्स हैं, ऐसे पीक्स हैं जिसको अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। आई मीन गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन परमिशन, डेवलप नहीं किया गया, ट्रैकिंग रूट्स को डेवलप नहीं किया गया। यहाँ पर अभी टूरिज़म एज अ इंडस्ट्री तो डिक्लेयर हुआ, मगर जितना टूरिज़म के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से जितना होना चाहिए था उतना अभी हुआ नहीं है, जो ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें नहीं हुई। तो बहुत पोटेंशियल है अभी लद्दाख को टूरिज़म के लिए आगे एक्सप्लोर करने का, और साथ ही साथ में यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ या अच्छा कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, जैसे IIT हो गया या IIM हो गया, या कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं रहा। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे। IIT का यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, IIM का होगा। और अभी आप देखें तो लद्दाख, लेह और कारगिल से मिला के अभी 30 से 40 हज़ार बच्चे, चाहे वो हायर सेकेंडरी के लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लद्दाख से बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यूटी मिलने के बाद वो सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे लोगों को मिलेगा। अभी बहुत पैसा खर्चा करके लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, तो वो सारे फैसिलिटीज़ यहीं लेह में मिलेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेह के बाखान चौक में, और यहाँ पर ये खुला ड्राई फ्रूट मार्केट है। आपका नाम? सौर जी, ये आपने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का मार्केट लगाया? हाँ जी। कितने साल से यहाँ ये मार्केट? अभी तक 15-20 साल हो गया। तो क्या-क्या बेचते हैं यहाँ? खुबानी बेचते है, गिरी बेचता है, बादाम बेचता है, काजू बेचता है, ये चीज़ है। हाँ, चीज़ पोटो, ये भी चीज़ है। हाँ, ये सूद चीज़ है। हाँ, ये ऐसे पिसा हुआ चीज़ है। ये खुबानी जो है, ये तो यहाँ लद्दाख में आम उगती है ना? ये खुबानी यहाँ की स्पेशल है जो यहाँ पर उगती है। अच्छा, आपको पता है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है? हाँ जी, पता है। ये क्या मानना है आपका? क्या बनेगा सर? अभी ठीक होगा, क्या क्या करेगा? अभी कुछ पैसा के लिए अभी आई तरक्की आएगा धीरे धीरे अभी। हाँ हाँ, तो आप हमेशा से यही पले बड़े, यही पैदा? हाँ जी, और हमेशा से यही बाजार? यहाँ नहीं, हमारे थोड़ा दूर है, दुमखर खलसे से। हाँ, तो यहाँ पर देवपुर पूरा नीचे से आता ना, बटीलिक से, और यहाँ सासपोल तक। और भी यहाँ पर लोग हैं काफ़ी समय से, कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर, काफ़ी सारे विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर से लद्दाख के ड्राई फ्रूट्स के। बाबा आपका नाम? मामा तालिब। आप कहाँ के रहने वाले? ये लद्दाख। तो हाँ, कब से यहाँ पर ये बाजार लगा रहे ड्राई फ्रूट? 5-6 साल इधर बैठेगा। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये अच्छा है, देखो बहुत है। आपका नाम? सोनम। आप यहाँ पर कब से ये लगा रही हैं? हाँ जी, अभी हम यहाँ 40 साल हो गया। तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर आपको क्या लगता है? मैं लद्दाख की नहीं हूँ, टिबेटन हूँ। टिबेटन है यहाँ पे, काफ़ी एक्साइटमेंट है। हाँ जी, अच्छा है सब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप ये क्या कर रहे हैं? माला बना रहे जी। हाँ जी। ये मुरूप है, यहाँ के प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बता रहे हैं मुझे कि ये कुछ अनूठा सा स्पाइस है जो सिर्फ लद्दाख में पाया जाता है। मुरूप ये क्या है? मैम इसको हम ओसे बोलते हैं, आई डोंट नो द इंग्लिश नेम। तो ये इसको हम तड़के में लगाते हैं, तो ये माउंटेन्स में पाया जाता है, हाई माउंटेन्स में। तो ये किस चीज़ का बनता है? ये एक ग्रास होता है, इसको मतलब पीस के ऐसे गोला बनाते हैं, फिर ये तड़का लगाते हैं। बहुत मतलब इसका खुशबू अच्छा है। जी 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 मैम, खुशबू तो इसका काफी अच्छा है। और ये हाँ जी, पहाड़ों में उगने वाला घास है जिसको आई थिंक इकट्ठा करके जमा के बनाया है। जी 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 जी। तो ये यहाँ बेचने के लिए लाए। ये बहुत ही मतलब स्वादिष्ट होता है। क्या कहते हैं इसे? ये वी कॉल इट ओसे, स्कोचे इन लद्दाखी, बट आई डोंट नो द इंग्लिश नेम। ये सिर्फ यही पाया जाता है? यस मैम, ये माउंटेन्स में पाया जाता है। जिस तरह से मोदी जी ने जिक्र किया था कि स्ट्रोलो के बारे में, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स है जो पहाड़ों में पाया जाता है, तो ये मतलब यहाँ ला के बेचते हैं ये लोग। बहुत सारे हर्ब्स हैं जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, लद्दाख के पहाड़ों में पाए जाते हैं। उनमें से एक हमें मरूप ने दिखाया जिसका ये लोग सब्जी में तड़का लगाते हैं और बहुत स्वादिष्ट है। यूनिक टू लद्दाख। ऐसे कितने सारे हर्ब्स हैं जो लद्दाख के लिए, कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स है, ये एप्पल है मैम, इनको ड्राई किया जाता है क्योंकि लद्दाख में सर्दियाँ बहुत तेज होते हैं, तो ये सारा सर्दियों में खाते हैं मैम ये सारा। तो लद्दाख में क्योंकि सर्दी रहती है 4-5 महीने और बर्फ़ होती है, बिल्कुल सारा जनजीवन ठप हो जाता है, तो ऐसे में ये जो सूखी सब्जियां और ड्राई फ्रूट है यही लोग खाते हैं। यस मैम, यस मैम, ये सब हम विंटर के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं और टूरिस्ट बहुत खाने के लिए ले जाते हैं, तो ये सारा टूरिस्ट के लिए डिस्प्ले किया जाता है। तो ये पूरा यहाँ का स्पाइस बाजार है। इसे क्या कहते हैं? इस बाजार का नाम क्या है? इसको हम फ्रूट मार्केट कहते हैं, जो ड्राई फ्रूट वगैरह बेचते हैं मैम, जो चंडू। तो ये लद्दाख का ड्राई फ्रूट मार्केट, जहाँ पर न सिर्फ देश से पर्यटक बल्कि विदेशी सैलानी भी आते हैं, और जो यूनिक यहाँ के ड्राई फ्रूट्स हैं, हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं लद्दाख की, वो यहाँ पर बिकती हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं। ये दूर दराज के लद्दाख के गाँव से आए हुए लोग हैं जो साल दर साल यहाँ पर ये मार्केट लगाते रहते हैं। आज बारिश हो रही है यहाँ पर, लेकिन बारिश में भी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तिरंगा, ये सेंटिमेंट है, ये लद्दाख का सेंटिमेंट है। और स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ पर लोगों ने जो सड़कों पर जश्न मनाया है उसकी एक बानगी आप देख सकते हैं कि तिरंगा अभी भी आपको लद्दाख के लेह के चौकों में, सड़कों में, गलियों में दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग इस चीज़ से बेहद खुश हैं। वहाँ सामने बाज़ार में देखिए कि अब लद्दाख पूरी तरह से एक अलग यूनियन टेरिटरी है। भारत का अभिन्न अंग शुरू से ही था, उसकी जो एक यूनिक आइडेंटिटी है उसे और बड़ा दर्जा मिलेगा, दुनिया भर में और नाम होगा, मान्यता होगी, विकास होगा, जिस विकास की दरकार साल दर साल लद्दाख को रही है, जिससे वो वंचित रहा है। अनूठी संस्कृति, अनूठे बड़े ही प्यारे लोग यहाँ के, जिस डेवलपमेंट की उन्हें ज़रूरत थी वो अब धीरे धीरे यहाँ पर आएगी, ऐसा लोगों को उम्मीद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशरफ अली बर्चा, ये अंजुमन इमामिया के प्रेसिडेंट हैं लेह लद्दाख के, और इनसे बात करते और जानते हैं कि लद्दाख का मुस्लिम समुदाय जो है वो धारा 370 हटने, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिलने को लेकर क्या कहता है। बर्चा साहब, कश्मीर के पॉलिटिशियंस, उन्होंने कुछ नई अफवाह फैला रखी है कि लद्दाख की जो मुस्लिम कम्यूनिटी है वो इसके ख़िलाफ़ है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लद्दाख को यूटी देने से लद्दाख का जो पुराना डिग्निटी और ग्लोरी हमें वापस मिला है, अब हमारा अपना एक एंटिटी है, जो पूरा एक हिस्टोरिकल हमारा एक लंबा हिस्ट्री हमारा रहा है, तो हम सब इसको वेलकम करते हैं। अब रहा ये जो अभी अफवाहें जो चल रहा है, वो एक मुझे लगता है कि करगिल में थोड़ा सा हो रहा है, दैट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और दे मे हैव सम डायरेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड आल्सो। तो पाकिस्तान कहीं पाकिस्तान तो कह नहीं सकता है, लेकिन कश्मीर के अंदर से हो सकता है। अदरवाइज वहाँ के जनरल पब्लिक जो है सारे ठीक है, ऐसी बात भी नहीं। हाँ, लेकिन करगिल वालों का एक मुझे ये नहीं लगता कि डायरेक्टली वो ये नहीं बोल रहा है कि यूटी हमें देने से गलत नहीं हुआ, वो नहीं बोल रहा है। वो उनको एक एप्रहेंशन जो लेह में भी है कि भाई आर्टिकल 370 और 35 हटाने से जो प्रोटेक्शन हमें पहले मिलता था, तो क्या यूटी में हमें वो प्रावधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि लद्दाख में, कश्मीर में तो चलिए जम्मू और कश्मीर को तो आपने यूटी भी लेजिस्लेचर दिया, तो उनको तो खैर वो सारा लेजिस्लेचर पावर मिल गया, तो वो काफ़ी हद तक वो उसमें अपने चीज़ों को, इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने में उनको काफ़ी वो मिलेगा। लेकिन लद्दाख के केस में विदाउट लेजिस्लेचर देने की वजह से हमें ये शंकाएं बढ़ गया है कि अब जो हमारे जो इंटरेस्ट जो है, लद्दाख का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऐसी बात नहीं है कि लद्दाख की जो यहाँ की लैंड का प्रोटेक्शन को लेके, यहाँ के मतलब इन्वायरमेंट को, यहाँ की इकोलॉजी को लेके, इन सब चीज़ों को जो कि बिल्कुल ही फ्रेजाइल है, जिसको अगर हम केयरफुली नहीं संभालेंगे तो वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझना चाहते हैं, लेकिन कुल मिला के लब्बोलुआब ये कि लद्दाख का बुद्धिस्ट हो या मुसलमान, वो इस फैसले के साथ है, पूरी साथ, बिल्कुल है। लद्दाख का बिल्कुल साथ इसमें साथ है, बिल्कुल सारा इसको वेलकम करते हैं। और हम ये हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें हमें पूरा जो हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए यूटी में हमें इस एरिया को तरक्की करने के लिए यहाँ के क्या अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं? बिल्कुल हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो लद्दाख जो आज तक एक रिमोटेस्ट एरिया बन के रहा, एक ज़िले की तरह जम्मू कश्मीर का एक ज़िला रहा था, जबकि एरिया हमारे पास इतना वास्ट है कि इतना एरिया बड़ा है, तो यहाँ की हम चाहते हैं कि यहाँ की तरक्की जो है बिल्कुल ही एक आधुनिक तरीके से हो, जिसमें सारे हमारे जो यहाँ की जो इकोलॉजी जो है, यहाँ की इन्वायरमेंट जो है, यहाँ की जो कल्चर जो है, यहाँ की क्या क्या पोटेंशियल है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जब देश को संबोधित किया इस फैसले के बाद, तो उन्होंने लद्दाख के टूरिज्म पोटेंशियल की बात की, स्पिरिचुअल टूरिज्म, इन्वायरमेंटल, क्या क्या इसको। हाँ, टूरिज्म का तो बहुत सारे, इसका एडवेंचर टूरिज्म है, कल्चर टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, हर तरह के टूरिज्म को यहाँ प्रमोट कर सकता है, ला सकता है। और उसी तरह से यहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यूरेनियम अवेलेबल है, यहाँ पे मार्बल अवेलेबल है। अब कहने को एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जिस तरीके की मार्बल यहाँ पे मिलता है, उससे हमें फॉसिल फ्यूल मिलने का भी अंदेशा है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा बॉर्डर एरिया है, चाइना से मिलता है, पाकिस्तान के साथ है, तो जितना एरिया को हम डेवलप करेंगे ताकि हमारे लोगों में वो एलिनेशन ना फील हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पीछे है, ये जो पहाड़ी पे हमें वहाँ दूर दिख रहा है, ये क्या है? ये लद्दाख पैलेस? जी हाँ, ये लद्दाख पैलेस और लद्दाख मोनेस्ट्री भी है, जो पीछे मोनेस्ट्री। जी हाँ, बिल्कुल, उधर एक मोनेस्ट्री भी है और पैलेस भी है वहाँ पर। जी हाँ, ये तो बहुत पुराने, कम से कम 700-800 साल पहले की है। उससे नीचे, थोड़ा नीचे आके हमारा पैलेस है, जो जमयांग नामग्याल के टाइम पे बना है, वो भी 500-600 साल का हिस्ट्री रखता है। बहुत ही अनूठा और अलग सा लैंडस्केप है। जी हाँ, वो पूरे देश में सबसे अलग। बिल्कुल, इसी चीज़ को लेके तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो अलग सा एक यूनिक चीज़ यहाँ का है, यहाँ का अलग एक लैंडस्केप है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की एथनिक ग्रुप जो है बहुत ही रेयर एक एथनिक ग्रुप यहाँ पर है। इन चीज़ों को लेके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये निवेदन करते हैं कि आप वीटी विदाउट लेजिस्लेचर आपने दिया, चलो हम इसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन इसमें इन चीज़ों की सेफगार्ड के लिए प्रोविजन रखा जाए। यूटी को शेप देते समय इसमें हमारे कौंसल को रखा, दोनों कौंसल को अभी बोलते हैं इंटेक्ट रखा जाएंगे, लेकिन इन सब में हम ये चाहेंगे कि हमारे जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारे कौंसिल के फंक्शनिंग किस तरह से होंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, डिफाइन हो जाए, वो स्मूथली चलने लगे, ताकि हमारा डेवलपमेंट। ये बताइए, वो उधर पहाड़ी पे वो क्या है? वो हमारा शांति स्तूपा है। वो हाँ, शांति स्तूपा है, वो स्तूपा एक बना हुआ है, वो शांति स्तूपा है। तो वो उस पर बिल्कुल टूरिस्ट देखने को आते हैं, और वहाँ से आप जब आप उसके ऊपर से देखेंगे, पूरा लेह टाउन जो आपको नज़र आता है, तो वहाँ टूरिस्ट काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए। बहुत धन्यवाद बर्चल साहब, हमसे बात करने के लिए। बेहद खूबसूरत ये पूरा प्रदेश, इसकी संस्कृति, इसका कल्चर, और हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद यहाँ का समग्र विकास होगा। बिल्कुल जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और हम बिल्कुल एक बार फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इन लोगों को बहुत ही मुबारकबाद देते हैं। हम उनके आभारी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल हमारे एक बहुत देराना एक मांग को पूरा किया, जिसके लिए हम सब लोगों की तरफ से उनको मुबारकबाद करते हैं। तो ये लद्दाख का मुस्लिम समुदाय है। पूरी तरह इस फैसले के साथ लद्दाख के समग्र विकास की आस 7 दशक तक इन्होंने भी यूनियन टेरिटरी स्टेटस की लड़ाई जो है वो लड़ी है। अभी आपने इनके विचार सुने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेह के मोरेवियन मिशन स्कूल में और मेरे साथ ये लद्दाख का भविष्य है। लद्दाख के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या जानते हैं यूटी लद्दाख के बनने के बारे में। आपका नाम? टुंडुप चुना। टुंडुप, आपको पता है लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी हो गया है? नहीं पता आपको? आपको पता है जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब लद्दाख सेपरेटली डायरेक्टली सेंटर जो है एडमिनिस्टर करेगा। आपको पता है इसके बारे में? हाँ, इसने मुझे पहले बताया था। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग क्या खेल रहे थे? फुटबॉल। फुटबॉल, तो गर्ल्स अभी फुटबॉल खेलती है। एक तो ये इतनी ऊंचाई पर है लद्दाख, 11,500 फीट की ऊंचाई पर ले है, उसमें आप सभी यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भविष्य है लद्दाख का ये कितना ज़ोरदार, ज़बरदस्त और मजबूत है। कुछ और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आपको पता है? आपका नाम? स्टंजिन नीमा। स्टंजिन नीमा, अच्छा। आपको पता है यूटी बना है लद्दाख? यस। पहले क्या था? पहले नहीं था कुछ। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, स्टेट का। अब क्या बन गया? अभी अलग हो गया लद्दाख और यूनियन टेरिटरी। तो अच्छा लगा आपको? लगा। आपको लगता है इससे लद्दाख में और डेवलपमेंट होगी? आप जैसे बच्चों के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे? हाँ। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? बड़े होकर आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, ओके। तो ये आपका नाम फिर से बताना? संजय नीमा। संजय नीमा, ये आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं और इनको ये पता चल चुका है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया है, और इनको ये भी पता है कि इसका मतलब ये है कि लद्दाख के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। कोई और इस पे कुछ ऐड करना चाहता है? आप? आपका नाम? तंजीन टिले। तंजीन टिले। आप यहीं क्यों? लेके क्या खेल रहे थे आप? फुटबॉल। फुटबॉल ही खेलते हैं सब बच्चे यहाँ पर? सब कुछ खेलते हैं। क्या क्या खेलते? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। क्रिकेट, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन? धोनी। धोनी, यस। क्यों आपको धोनी पसंद? वो अच्छा खेलता है। अच्छा, फुटबॉलर कौन पसंद है आपको? मुझे रोनाल्डो। रोनाल्डो, रोनाल्डो क्यों पसंद है? क्योंकि वो उनका स्ट्रेंथ अच्छा है। आप बड़े होके फुटबॉलर बनना चाहते हो या क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा फुटबॉलर बनना चाहती हूँ। आपको पता है यूनियन टेरिटरी हो गया लगा? हाँ जी। तो अच्छा लगा आपको? हाँ जी। तो ये जो इलाका है ये पीछे क्या है? वो पीछे सेमो। बताइए थोड़ा क्या है वो? मॉनेस्ट्री। यस, मॉनेस्ट्री है। यस। और आप लोग रोज यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं? यस। कितना मज़ा आता है आपको यहाँ इतने बढ़िया मैदान में आप फुटबॉल खेलते हैं। तो ये लद्दाख के, लेह के छोटे छोटे बच्चे, इन्हें पूरी तरह से तो समझ नहीं है अभी कि यूनियन टेरिटरी होने का मतलब क्या है, लेकिन इतना पता है कि जो भी अच्छा है भविष्य के लिए अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, लद्दाख के फ्यूचर के लिए अच्छा है। कैमरामैन सुमित के साथ शीतल राजपूत, लेह लद्दाख।